एक्चुअली जो पोल्यूशन है उसके ऊपर कर रहे हैं। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, हम चाहते हैं कि पोल्यूशन कम हो, उसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। नो, बस हमने अपना प्रोटेस्ट करना था, पुलिस तो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सबको सांस मिले, अच्छा वायु मिले, अच्छी एयर मिले, वी डिजर्व क्लीन एयर, यू नो। सो इसके लिए कर रहे हैं, इनके लिए, पुलिस वालों के लिए भी ये क्लीन एयर तो इनकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है, हमारे लिए भी अच्छी है। हाँ जी, यहाँ पे देखिए जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसों से इतने सारे स्मार्ट टावर्स बने हुए हैं, बट सारे स्मार्ट टावर कुछ भी नहीं चल रहे। तो जो जनता है, प्रेग्नेंट लेडीज है, सब परेशान है। तो सवाल यह है कि अगर कोई भी पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल क्लाउड ये मुद्दा नहीं उठाएगा और बात नहीं करेगा तो जो आम लोग हैं वो किस तरीके से इसका हल निकाल पाएंगे, और जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके से इस पर कोई जवाब नहीं देती, कोई डिस्कशन नहीं करती। तो पॉल्यूशन इतना इम्पोर्टेंट है, बट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पॉल्यूशन का एजेंडा पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर है ही नहीं। हाँ जी, देखिए पीसफुल प्रोटेस्ट है क्योंकि माई हुई है, उनके बच्चे आए हुए हैं, बुजुर्ग आए हुए हैं, तो ये वो लोग हैं जो आम लोग हैं और परेशान हैं आज। तो अगर कोई नहीं सुनेगा तो सब सफर कर रहे हैं, तो अपनी बात रखने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने सिर्फ पीसफुल विदाउट एनी डिस्टर्बेंस टू द जनरल पब्लिक अपना एक मैसेज कन्वे करना था, वो मैसेज कन्वे किया। जी, हमारी मांग ये है कि जो सरकार है इस पे काम करे, एक्शन ले, और हम अपने आने वाले जो हमारी जनरेशन है, जो बच्चे, उन्हें हम बेहतर भविष्य दे सकें। एक सीधा सा सवाल है कि जो शुद्ध हवा, शुद्ध पानी हमें मिला है, क्या वही हम अपने आने वाले बच्चों को दे पाएंगे, या फिर हम उन्हें इस तरीके के ऑक्सीजन सिलेंडर गिफ्ट करने वाले हैं? और अगर हाँ तो कैसे, आप बताइए आपके प्लान्स क्या हैं? क्योंकि आज से 20 से 40 साल पहले हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम सभी को पानी खरीद कर पीना पड़ेगा, और आज हम सभी हैबिचुअल हैं, हम में से ज्यादातर लोग जाते स्टेट्स में, इंडिया के ज्यादातर सिटीज में हम पानी खरीद के पी रहे हैं। सेम सिचुएशन होने वाली है आने वाले टाइम में, जिस तरीके से हम मुर्दों की भांति पड़े हैं और हम बोल नहीं रहे हैं, हम आवाज नहीं उठा रहे हैं। प्लेकार्ड पकड़ा, इसमें लिखा है सांस नहीं तो वोट नहीं। जी बिल्कुल, मुझे मेरा मानना है कि जो मेन मुद्दा होना चाहिए हमारा इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीजें हैं, हम जब एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, जब हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, तो जितनी भी फैसिलिटीज हमें मिल जाएंगे उन फैसिलिटीज का फायदा क्या है? तो हमारा मेन जो मुद्दा होना चाहिए वो इन्वायरमेंट होना चाहिए, जिससे हमारा एग्जिस्टेंस बना हुआ है। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि प्लीज आगे आए, एक्शन लें।